सपोज हेडमास्टर जी के वैसे हुआ है, क्या जरूरत थी ताईसा को आगे पीछे की सारी कहानी सुना देने की? एक बार सामने दिख जाए ना तो सर फोड़ दूँ उसका। ना जगदीश, मेरी टीचर जी कहती थी गुरु तो गोविंद भगवान से भी बड़े होते हैं, उनके बारे में गलत सलत जुबान पर भी नहीं आना चाहिए और दिल पे भी नहीं। जगदीश तू जल्दी से भगवान जी से माफी मांग ले, नहीं तो वो जरूर तेरे सर पे कोई ना कोई पाप चढ़ाएंगे और मुसीबत हो जाएगी जगदीश। और इसमें हेडमास्टर जी की क्या गलती, अगर वो ना बताते दादी सा को तो कोई और बता देता, कभी ना कभी तो दादी सा को पता चल ही जाता ना। वैसे भी इसमें गलती तो मेरी ही थी ना, अगर मैं भूली का बस्तर और किताबें देकर ललचाती नहीं तो मैं परीक्षा देने की बात भी ना करती। जब कोई और चोरी ब्याह करके स्कूल नहीं जा सकती तो मैं कैसे जा सकती हूँ ना भाभी? सारी गलती मेरी है, तुम दोनों अपने आप को क्यों कोस रहे हो? मैं तुम दोनों से बड़ी हूँ ना, मुझे तुम्हें समझाना चाहिए था, जबकि अच्छी तरह से जानती थी कि दानिशा की मर्जी के खिलाफ कुछ भी करो तो क्या होगा। मैंने तुम्हें नहीं टोका, मेरी हिम्मत ही मारी गई थी। अब क्या होगा चीची? मेरे मामा बुआ आएंगे और फिर से एक बार मेरी वजह से बातें सुनेंगे। जैसे नहीं तैसा के माँ बापू आए थे और आंखों में आंसू लेके गए। क्या नहीं ताईजी के माँ बापू रोए थे? हाँ भाभी, तानिशा ने उन्हें इतनी खरी खोटी सुनाई कि वो रो पड़े। ऐसा ये सब ठीक नहीं है, किसी के मां बाप को अपनी चौखट पर बुलाकर उन पर कीचड़ उछालना। उन्होंने हमें अपनी बेटी दी है, बेइज्जती करने का हक नहीं। भाई साहब, आप मासा को समझाइए ना, एक बार इससे पहले भी वो दुखी होकर गए हैं इस घर से, अगर ये दोबारा हुआ ना तो न जाने उन पर क्या बीतेगी। कुछ कीजिए ना भाई साहब। ये सब तब तक दोहराना बहुत जरूरी है भैरो, जब तक इस घर की बेंधनी अपनी मर्यादा को ना समझ जाए। गलती उन लोगों की है जिन्होंने अपनी छोरियों को तमीज नहीं सिखाई, और उन्हें उनकी गलती की सजा तब तक मिलती रहेगी जब तक वो अपनी गलती में सुधार ना कर लें, समझा? लेकिन भाई साहब, ये तो सोचे कि इन सब बातों का उनके दिल पर क्या असर होगा। उनका दिल दिखता है लेकिन अपनी जन्मदाता का दिल नहीं दिखता। क्यों? उनकी इज्जत की फिक्र है, और ये जो तेरी बिंदनी हमारी इज्जत की भद करवा रही है वो उसका कुछ नहीं। भाई साहब, मैं देख भैरो, मैं मासा से कुछ नहीं कहूंगा और ना ही तेरे ये बहू बेटियों के मामले में पड़ूंगा। तुझे जो ठीक लगता है वो तू कर ले, रही बात मेरे साथ देने की तो मैं मासा के साथ हूं। वो जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है, कम से कम एक बेटा तो अपना फर्ज ठीक से निभाए।
सुनो दीजिए, क्या दादी सब भूल गए होंगे? पता नहीं जग गया। अब क्या होगा चीची? मासा, मैं अपने किए के लिए आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। आप यही चाहती थी ना कि मैं सबके सामने आपसे माफी मांगू? तो लीजिए। आज पूरा परिवार यहां है, आप मेरी माफी स्वीकार कीजिए और आनंदी के मां बापू को बुलाने का फैसला बदल दीजिए। अरे गर्दन पे कोई तलवार लिए तो खड़ी ना हूं छोरी, जो ऐसे जबरदस्ती माफी मांग रही है। अगर थारे को लागे है तो थारे से गलती हुई है तो माफी मांग, नहीं तो मांगना भी मत। Mm-hmm.
को महसूस होना चाहिए कि थारे को अपने किए का पछतावा है। ऐसे ऊपर ऊपर से माफी मांगेगी ना तो यही लगेगा कि दिखावा कर रही है। बड़ों के पैर पड़ने से कोई इज्जत घट जावे है? भाई थारी आत्मा की आवाज रो रो के पश्चाताप करे है अपने कुकर्मों पे। हाँ जी ठीक है, अब मैं बस जी चाहती थी थारे को अपनी गलती का बोध हो जावे। माफ किया थारे को। ए छोरी आनंदी, थारी ताई साथ थारी बकरी ला गए क्या? जो इनके माफी मांगने से थारे को भी माफी मिल जाएगी। खड़ी के गलती तो तूने भी की है ना, आ इधर। पूछे बगैर अंदर घुसाता है। चलो निकलो यहां से। जी उस सोगना जी के सासरे वाले आए, अंदर बुला ला हूं। हाँ ले आ ले आ। खड़ी हो जा, अभी जो सबक सीखा है ना जिनकी भरी याद रहे, माफी एक ही बार मिले समझी, आपके मेहमानों के सामने ऐसी खड़ी रहेगी। जा और सुन, किसी के आगे जबान खोलने का नतीजा जाने है ना, याद रहे। जा नहीं जाना जल्दी से। और तू तारे को क्या अलग से बोल बताना पड़ेगा? जा मुंह धो। क्या मेहमान ये सोचेंगे कि अपनी बहुओं के साथ बुरा व्यवहार करूं। और तुम लोग कोई महाभारत ना हुआ है? जा चलो मेहमानों का सत्कार करने की तैयारी करो। सुगना जा नाश्ते की तैयारी कर, कुछ खास बनाना। हाँ अरे समझी आए थारे सकड़ से तो लागे, थारे को जरा भी परवाह ना है। मातम में ना है वो जो रोनी सूरत बना के खड़ी है। क्या मुंह धो के आ तू। पैर भिगो दिए सारे।
अगर थारे को लागे तो थारे से गलती हुई है, गलती हुई है, तो माफी मांगो, माफी मांगो, नहीं तो मांगना भी मत, तो मांगना भी मत। बड़ों के पैर पड़ने से कोई इज्जत घट जावे है, घट जावे है। भाई थारी आत्मा की आवाज़ रो के पश्चाताप करे अपने कुकर्मों को। कुकर्मों विवाहित बालिका की सिसकियों में मानवता बिलखती है।